खबर पाली के तखतगढ़ से है, जहां भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामकुमार भूतड़ा ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रामकुमार भूतड़ा ने कहा कि विपक्ष ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आर्टिकल 14 के उल्लंघन का आरोप लगाया है और इन आरोपों को विपक्ष को प्रमाणित करना चाहिए। इस दौरान सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज नामा समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। झूठ बोल बोल के जो शासन किया है, हर बात को झूठ बोला है, झूठ बोल करके मुसलमानों को बहकाया, झूठ बोल करके हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा किया है, झूठ बोल करके धर्मों को जातियों को बांट करके देश में शासन करने के लिए क्या क्या नहीं किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कब झूठ नहीं बोला? कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी झूठ बोलती है। मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, वो नहीं पढ़ी है वहां पर। झूठा प्रमाण पत्र पेश कर सकती है कांग्रेस, जो खुद हिंदू नहीं है वो आज हिंदू बनकर जन्म धारण कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग स्वयं इतना झूठ बोल रहे हैं कि उनकी बात का विश्वास कैसे किया जा सकता है? वो तो झूठ ही बोलते हैं, सत्य उनके पास है ही नहीं।